तो दोस्तों, अगर आपका भी पुराना BSNL सिम को सुपर फास्ट एयरटेल 5G में आप पोर्ट कराना चाहते हो तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। एक एक सिंपल स्टेप बताने वाला हूँ कि फ्री में आपका BSNL सिम को आप एयरटेल में कैसे पोर्ट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं दो तीन बात क्लियर कर देना चाहता हूँ यहाँ पे कि BSNL सिम को पोर्ट कराने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि BSNL नहीं चाहता है कि उनका कस्टमर उनका नेटवर्क छोड़ के किसी दूसरा में जाए, क्योंकि लॉस हो जाता है उन लोगों का। ठीक है, इस वीडियो में पूरा डिटेल में आप लोगों को बताएंगे कि UPC कोड कैसे लाना है। ठीक है, तो वीडियो को आप ध्यान से देखना पूरा आगे। तो सबसे पहले आप एक बार देख लीजिए, इस नंबर पे आपको मैसेज भेजना होगा 1900 और कैपिटल लेटर में यहाँ पे लिखना होगा PORT। फिर स्पेस देने के बाद यहाँ पे आपका जिस नंबर को आप पोर्ट कराना चाहते हो वो नंबर यहाँ पे एंटर कर लीजिए। फिर इस मैसेज को सेंड कर देना है। सेंड कर देने के बाद 2 मिनट के अंदर दोस्तों आपको UPC कोड मिलना चाहिए। अगर UPC कोड बार बार ट्राई करने के बाद भी आपके पास नहीं आ रहा है तो BSNL कस्टमर वालों के साथ आपका कॉल कनेक्ट करना है। कॉल कनेक्ट करने के बाद बोलना है कि सर तुरंत आप लोग मेरे को UPC कोड भेजिए, मेरे BSNL सिम को स्विच करके दूसरा एयरटेल सिम को ज्वाइन करना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, आपका आधार कार्ड लीजिए और जो UPC कोड आपने मंगवाया है वो लेके जो आपके नियरेस्ट लोकल मार्केट है वहाँ पे आपने देखा ही होगा एयरटेल वालों का रिटेलर शॉप, ठीक है, वहाँ पे जाइए। जाने के बाद एयरटेल एग्जीक्यूटिव को बोलना है कि भैया मेरे पास UPC कोड है, आप प्लीज मेरा BSNL सिम को एयरटेल में पोर्ट करवा दीजिए। आपका ID वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड मांगेगा, आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा और एक पासपोर्ट साइज फोटो एक खींचा जाएगा। और इसके बाद आपके पास सक्सेसफुली जो पोर्ट प्रोसेस सबमिटेड हो गया है ये मैसेज आ जाएगा। और अगर आप किसी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट या जम्मू एंड कश्मीर से हो तो 15 दिन लगेगा आपका एयरटेल नया सिम में नेटवर्क आने में, एक्टिव होने में। ठीक है, और तब 15 दिन तक आप आराम से BSNL सिम को यूज कर सकते हो, उसमें नेटवर्क रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, और अगर बाकी किसी स्टेट से बिलोंग करते हो इन दो स्टेट्स के अलावा, मैक्सिमम 5 डेज के अंदर नया सिम में, नया एयरटेल सिम में नेटवर्क आ जाएगा, तब तक आप आराम से BSNL सिम को यूज कर सकते हो। और ये जो पूरा पोर्ट प्रोसेस बताया आपको, जब करोगे एग्जीक्यूटिव को आपको ये भी बोलना होगा कि भैया पोर्ट कराने का जो फ्री रिचार्ज होता है 239 का ये भी डाल दीजिए। ठीक है, और आपका जो एयरटेल का सिम है वहाँ पे जब नेटवर्क आता है वो रिचार्ज अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। और ये जो पूरा पोर्ट प्रोसेस मैंने बताया ये आप तभी करा पाओगे जब आपका BSNL सिम में एक्टिव रिचार्ज प्लान हो और मिनिमम 90 डेज पुराना हो। जी हाँ दोस्तों, मिनिमम 90 डेज पुराना होना चाहिए एक सिम को पोर्ट करवाने के लिए। इसी तरीके को फॉलो करोगे तो आपका BSNL सिम आराम से पोर्ट हो जाएगा एयरटेल नेटवर्क में। वीडियो से अगर कुछ भी सीखने को मिला प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना कोई भी डाउट हो तो। मिलते हैं आप लोगों के साथ ऐसा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।